जय हिंद बच्चों, आज हम लोग एक पेपर और लेंगे, एक पेपर और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। आज हम लोग बेसिकली ओ लेवल का पहला पेपर जो M1 है, जिसके इस बार सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, जो इस बार सबसे ज़्यादा बच्चे देंगे, उसी का हम लोग पहला पेपर के। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको कई सारे पुराने वीडियोस बना चुका हूँ, आप लोग भी लगातार इसकी प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, तो आज हम लोग एक पेपर और इसी का सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे की क्लास में हम M2 और M3 के पेपर्स को कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी हालिया ओ लेवल शुरू किया है या करना चाह रहे हैं, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि ओ लेवल में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, प्लस आप लोग इसका प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करें, बिकॉज प्लेलिस्ट कंटेंट से आपको आसानी रहेगी। बहुत सिस्टमैटिक बना है। जिन लोगों के पुराने वीडियो नहीं हो पाए हैं या पुरानी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं या सिस्टमैटिकली नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाएं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको M1 R5 सभी की प्लेलिस्ट मिलेगी। आप जिस प्लेलिस्ट पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। M1 R5 की है और इसी में सबसे बॉटम पे अगर आप लोग गौर करें तो आप लोगों के सारे पुराने प्रैक्टिस सेट इसमें ऐड होते चले जा रहे हैं। तो आज वाला भी हम लोगों का इसी में ऐड हो जाएगा। तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट रियलिस्टिकली प्रैक्टिस है, आप लोगों के सारे जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें किस तरह का पेपर पैटर्न आएगा, कैसे एग्जाम्स होंगे, उस पर बेस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो लोग YouTube में लाइव हैं, तो बच्चों आप लोगों को YouTube पर अपने कमेंट सेक्शन पे टाइप करना है अपने आंसर्स, और जो लोग Zoom पर लाइव हैं तो वो लोग अपने अपने स्पीकर्स ऑन कर मुझे जवाब देंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आप लोगों को स्क्रीन पर, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे ओ लेवल में, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जल्दी ही हम लोग, यानी कि हो सकता है 7 से 8 दिन के अंदर ही, मोस्ट प्रोबेबली 10 से 11 अगस्त तक हम लोग CCC का एक नया ऑनलाइन बैच शुरू करेंगे प्रॉपर क्लासेस के साथ, और ये CCC के बैच के पेपर सितंबर में होंगे। कुछ बच्चों का मेरा पहला सवाल यही रहता है कि सर सितंबर में एग्ज़ाम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो उसका मैं आपको एक ऑप्शन ये बता दूँ कि सितंबर में एग्ज़ाम होने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। जैसा कि मिनिस्ट्री से हम लोगों को पता चल रहा है कि आप लोगों का अनलॉकडाउन जो इस समय 3 खत्म होकर अब 4 शुरू होगा, जैसे कि इस समय जो अनलॉकडाउन चल रहा है वो अनलॉकडाउन 31 अगस्त तक के लिए, इसके बाद जो अगला अनलॉकडाउन होगा उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़ ये सब खुलेंगी, और अगर ये खुलती हैं 1 सितंबर से तो आप लोगों के पेपर्स होने के चांसेस बढ़ गए हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल भी किए हैं और कुछ नहीं भी किए हैं, जैसे बीएड वगैरह के एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हैं, वो सितंबर में मार्क्ड हैं। तो अगस्त में एग्ज़ाम होना थोड़ा सा मुश्किल है CCC का जो था, लेकिन सितंबर में चांसेस बढ़ गए। ये सारा सीन क्लियर होगा आप लोगों का 10 या 11 अगस्त तक, तो थोड़ा सा वेट कर लें बच्चों, 10-11 अगस्त तक मेरे को पूरी कंफर्मेशन आ जाएगा, मैं आपको बता पाऊंगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम वाकई सितंबर में हैं या नहीं। अभी की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सितंबर में एग्ज़ाम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, अगर मैं रेशियो की बात करूं तो 70% एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक पर। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, इजी पेपर्स होता है M1, तो इसीलिए आप लोगों को इसे, अगर आप लोग सिर्फ गेस्ट पेपर, अच्छा हाँ गेस्ट पेपर का भी मैं बता दूं, अगर सितंबर में एग्ज़ाम्स होते हैं तो गेस्ट पेपर्स आपके 10 या 11 अगस्त से अपडेट होने शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को जो नोट्स की वेबसाइट दी गई है उसी वेबसाइट पे हाइपरलिंक आ जाएगा या लिंक आ जाएगा, आप उसे वहाँ से पढ़ सकेंगे। जिन बच्चों को सिर्फ गेस्ट पेपर ही चाहिए होगा तो वो अलग से पे करके भी इसे ले सकते हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करते हैं। आप लोग बताने वाले हैं सबसे पहला सवाल, CPU रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरीज। CPU जो है सेकेंडरी स्टोरेज से जानकारी पढ़ता है, डायरेक्टली पढ़ता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी एंड देन फ्रॉम द CPU रीड्स इट्स और थ्रू रजिस्टर्स और नन ऑफ द अबव। बताइए चारों में से कौन सा सही है। B. आपको सभी को पता ही है कि CPU जो है, मैंने आपको याद हो IoT की क्लास जब लास्ट लगी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो डेटा होता है वो सबसे पहले हार्ड डिस्क में रहता है, हार्ड डिस्क में जो डेटा है उस हार्ड डिस्क से CPU में डायरेक्ट नहीं जाएगा, अगर डायरेक्ट चला जाएगा तो CPU तो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में काम करता है, हार्ड डिस्क का डेटा रोटेट होता है उसकी डिस्क तो बहुत स्लो होता है, तो वो डायरेक्ट ना भेज के सबसे पहले मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरीज में डालता है डेटा, जिसको रैम भी कह सकते हैं।
उसके बाद आपका डेटा सीपीयू में शिफ्ट होता है, लेकिन सीपीयू में भी डायरेक्ट नहीं जाता, इसके अंदर भी उसकी कैश रहती है, और या फिर रजिस्टर्स कह सकते हैं। रजिस्टर्स एक प्रकार की स्टोरेज हैं, छोटे साइज के होते हैं, लेकिन ये क्योंकि सीपीयू के अंदर ही इनबिल्ड होते हैं इसलिए इसमें प्रोसेसिंग फास्ट होती है। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका बी, सीमा और मिलन ने जवाब सही दिया है यूट्यूब पे। 1.2 पे आते हैं बच्चों, चलिए बताइए 1.2 और 1.2 में व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आफ्टर डॉट इन वेब पेज। वेब पेज के डॉट के बाद डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? बी HTML और .htm। बिल्कुल सही है। तो बी क्योंकि आप सबने पढ़ा है, आप इंटरनेट पे वेब पेजेस जो बनाते हैं वो .html करके सेव करते हैं, बिकॉज वेब पेजेस ही आपके ब्राउजर में ओपन हो सकते हैं। तो सही आंसर बी है। मोहम्मद रजा का भी जवाब सही है। 1.3, ये बच्चों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कम, शॉर्ट नोट के हिसाब से ज़्यादा है। पूछा जाता है MIME मल्टीपर्पज़, एक तो एक इसका क्वेश्चन बनता है कि मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन यानी MIME का फुल फॉर्म पूछ सकता है। दूसरा आपको MIME का 3 नंबर का शॉर्ट नोट्स आ जाता है, तो इसका जवाब आप बताएंगे। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन विकसित किया गया था, नंबर 1 टू सपोर्ट द ईमेल मैसेज कंटेनिंग टेक्स्ट एंड वीडियो, टेक्स्ट एंड वीडियो युक्त ईमेल संदेशों का समर्थन करने के लिए, नंबर 2 ऊपर है टू सपोर्ट ईमेल मैसेज कंटेनिंग टेक्स्ट ऑडियो एंड वीडियो, नंबर 3 ईमेल मैसेजेस कंटेनिंग ऑडियो एंड वीडियो, और ऊपर और सेकंड वाले और थर्ड वाले में अच्छा टेक्स्ट ऑडियो एंड वीडियो है और इसमें सिर्फ ऑडियो एंड वीडियो है, और थर्ड वाले के बाद फोर्थ वाले में सपोर्ट टेक्स्ट। तो बताइए MIME जो है वो क्या चीज़ के लिए मेल में कहाँ किस काम के लिए यूज़ होता था? टेक्स्ट भी यूज़ करता था, वीडियो यूज़ करता था, या टेक्स्ट वीडियो और ऑडियो तीनों यूज़ करता था? ये कोई पहले बता सकता है MIME होता क्या है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत ही यूजफुल भी है। आप लोगों का इंटरनेट जब शुरुआत हुई थी तो उसमें वीडियो मैसेजेस भेजने के या पिक्चर मैसेजेस भेजने का ऑप्शन नहीं था, लोग सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस भेज पाते थे। तो वीडियो वगैरह तब आया जब MIME प्रोटोकॉल का डेवलपमेंट हुआ। इसके डेवलप होने के बाद आप लोगों का वीडियो मैसेजेस भी जाने लगे और ऑडियो मैसेज भी एनक्रिप्ट होके जाने लगे। तो इसीलिए इसका सही जवाब अगर आप लोग चेक करें तो बी है, टेक्स्ट वीडियो एंड ऑडियो सारे मैसेजेस आप लोग एनक्रिप्ट करके भेज सकते हैं इसकी मदद से। अभी भी आज के डेट में MIME प्रोटोकॉल्स की मदद से ही हम लोगों को वीडियो ऑडियो मैसेजेस सबमिट होते हैं। ओके नेक्स्ट बताइए 1.4, आसान सा सवाल है। मेमोरी इज यूज टू स्टोर बायोस, बायोस मदरबोर्ड में जो लगा होती है चिप वो किस प्रकार की मेमोरी होती है? कौन सा कैश मेमोरी सर? सी ऑप्शन सर, कैश मेमोरी। अच्छा आप लोगों ने बायोस चिप देखी है सबने? देखिए ये रही बेसिक इनपुट आउटपुट, ये बायोस की एक चिप है, और अगर आप लोग देखें तो ये आपके प्रोसेसर के यूं कहिए कि सिस्टम को बूट कराने के पहले सबसे पहला यही काम करती है। अगर आपके सिस्टम का बायोस खराब हो गया तो आपका सिस्टम डेड होगा, बिजली बिजली सब आ रही होगी, पंखा भी चल रहा होगा, कीबोर्ड में लाइट ऑन भी हो गई होगी, लेकिन आपका डिस्प्ले जीरो होगा। बायोस एक प्रकार की चिप है जिसका पूरा काम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, और ये एक प्रकार का हार्डवेयर होती है, एक चिप होती है, लेकिन इसके अंदर बायोस का एक अपना सॉफ्टवेयर भी इनबिल्ड होता है। और इसका काम क्या होता है, ये सबसे पहले आपके पूरे सिस्टम के हार्डवेयर को कॉन्फिगर करती है। आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क, वीडियो कार्ड, कीबोर्ड, माउस सब प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं है, ये सब चेक करने का काम इसी से। और अगर आप थोड़ा सा हार्डवेयर जानते होंगे तो कीबोर्ड की डेल बटन या F2 या कहीं कहीं पे F9 बटन दबाइए तो बायोस की स्क्रीन खुल जाएगी कंप्यूटर ऑन होते ही,
और उसके बाद आप लोग इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसमें अपने कंप्यूटर्स के अंदर बूट डिवाइस सीक्वेंस बदल सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्शन दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन कर सकते हैं। तो ये जो चिप होती है ये कभी कभार डेड हो जाती है। डेड कैसे हो जाती है, आप अपना सिस्टम को काफ़ी दिन तक के लिए छोड़ दीजिए, मतलब ऑन ही नहीं करिए, और 8 महीने 10 महीने बाद जब कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वो ऑन ही नहीं होगा। कभी कभार ऐसा होता है, तो उसके लिए दो ही तरीके होते हैं। आप लोगों ने शायद से देखा होगा सीमॉस बैटरी, नहीं देखी तो आपको दिखा देते हैं, ये लगी हुई है सीमॉस बैटरी। सीमॉस बैटरी आपके मदरबोर्ड में लगी होती है, इसको आप लोग एक साइड से पिन से निकालते हैं, 3 वोल्ट की छोटी सी बैटरी होती है, 32-12 पिन नंबर होता है इसका, और इसको निकालने के बाद 3 या 4 सेकंड बाद फिर से लगा दीजिए। आपका ये बैटरी एक बार और भी चेक भी कर सकते हैं, अगर ये बैटरी डेड हो गई है, डेड हो गई है तो ये वैसे भी काम नहीं करेगी। 9 से 10 रुपये की बैटरी आती है, इसको निकाल के दोबारा दूसरी नई फ्रेश लगा दीजिए। अगर आपका सिस्टम ऑन हो जाता है तो इसका मतलब बैटरी की प्रॉब्लम थी, और अगर अभी भी नहीं ऑन हुआ तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि बायोस चिप को आपको रीराइट कराना पड़ता है। तो ये आपकी एक प्रकार की ऐसी चिप है जो कि रीराइट हो सकती है, लेकिन आपका डेटा इसमें क्या परमानेंट रहता होगा या लाइट जाते ही खत्म हो जाता होगा? लाइट जाते ही खत्म हो। अगर लाइट जाते ही खत्म हो जाता तो हम जितनी उसमें सेटिंग करते तो वो तो पूरी खत्म हो जानी चाहिए। वो लाइट जाते ही ना खत्म हो, इसीलिए वो सीमॉस सेल लगाया जाता है उसके अंदर। तो रैम होती है जो लाइट जाते ही खत्म होती है, और इनमें से कौन सी है जो लाइट जाने के बाद नहीं खत्म होती? रोम। बायोस एक प्रकार की रोम चिप होती है, इसमें जो लिख गया उसे आप सिर्फ पढ़ सकते हैं बार बार, लेकिन उसको इरेज नहीं कर सकते। रैम में तो पढ़ा और इरेज दोनों होता रहता है। क्लियर। मिलन कह रहे हैं बैकग्राउंड साउंड ऑफ कर दीजिए। बच्चों क्या आपको बैकग्राउंड में कोई साउंड भी सुनाई दे रही है क्या? नहीं सर, यूट्यूब पे आ रही है लोगों के साथ में, लोगो रोटेट हो रहा है उसके साथ साउंड आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है यूट्यूब पर। ओके, ये हो सकता है, तो मैंने वो एक्चुअली जो जोश में लोगो लगा दिया था। कोई बात नहीं बच्चों, मैं लोगो ऑफ कर देता हूँ। लोगो कहाँ गया, वीडियो पिक्चर, ओके लोगो ऑफ कर दिया मैंने। अब जरा चेक करिएगा, मैंने ध्यान नहीं रखा कि अच्छा, मैंने कुछ नया क्रिएटिविटी करने की सोची थी, उसमें हमने ध्यान ही नहीं दिया कि लोगो भी है उसमें। ओके देखिएगा लोगो हट गया, जरा यूट्यूब में कोई बच्चा चेक कर ले अब सही है। बच्चों आप लोग बताइए। ओके 1.6 पे चलते हैं बच्चों। 1.6 में डिवाइस इज रिक्वायर, सही है रवि? देख लिया आपने? सही है सर, सही है। ठीक ठीक। यूट्यूब वाले बच्चे आप लोगों को सबको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? मतलब आप प्रॉपर, अब तो साउंड का कोई इशू नहीं है? जल्दी से थंब सेंड करिएगा। 1.6 डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शंस, बहुत ही सिंपल है, बताइए। एनआईसी कार्ड होगा। एनआईसी कार्ड, और बताइए, बाकी बताने लायक कुछ है ही नहीं उसमें, ऑप्शन ही इतने बेकार दिए हैं। एनआईसी कार्ड कोई बता सकते हैं? एनआईसी कार्ड होता क्या है? जो केबल लगाया जाता है ना सर, RJ45 का, जी वही एनआईसी कार्ड बोलते हैं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन भी गलत है। एनआईसी कार्ड का इस्तेमाल जो होता है, ये देखिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये नेट के लिए नहीं होता, ये लैन के लिए होता है बेसिकली। इसका हम लोग लैन इथरनेट पोर्ट कहते हैं, तो ये लैन कार्ड के लिए यूज होता है। वो बात अलग है कि अगर लैन में नेट चल रहा है तो इस सिस्टम पर भी आ जाएगा, कि अगर आपने वाईफाई पे, अगर मान लीजिए वाईफाई पे लगा दिया तो वाईफाई पे तो इसका काम ही नहीं रहता। तो फिलहाल इसका सही जवाब होना, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इन नेटवर्क के लिए कौन सा कार्ड यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि ये नैलेट का सवाल नहीं है, ये टी बालाजी की बुक के पीछे के क्वेश्चन हैं, तो वो टू द मार्क नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत प्लस माइनस है। तो फिलहाल एनआईसी कार्ड आपको समझ आ गया होगा। एनआईसी का दूसरा नाम कोई बता सकता है क्या नाम होता है? एनआईसी कार्ड की जगह लैन कार्ड भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? अथरनेट कार्ड, जी अथरनेट बोलते हैं। 1.7 पे आइए बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड्स? ए, किसी का बच्चा रो रहा है, बच्चे से दूर करो, बच्चे अच्छा लेकर ना बैठा करो भैया। 1.7 बताइए बच्चों। डी होगा सर।
थ्रेड्स मतलब क्या होता है? चोरी करना सर। ना, थ्रेड का मतलब होता है, कंप्यूटर में थ्रेड्स का मतलब होता है एक ऐसा फाइल या विषाणु जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सके, थ्रेड्स हैं वो। तो आपका ये जो थ्रेड्स है ये क्या काम कर सकता है आपके लिए? एक तरह से सॉलिसिटी है, सॉलिसिटिंग कर सकता है, स्टैकिंग कर सकता है, डीओएस अटैक कर सकता है, या ऑल ऑफ दिस। बता सकता है कोई? थ्रेड्स का मतलब तो समझ आ ही गया होगा। सॉलिसिटिंग का मतलब होता है बच्चों प्रार्थना करना, इसका हिंदी रूपांतर होता है प्रार्थना करना। स्टैकिंग का मतलब होता है पीछा करना, ठीक। डीओएस क्या होता है, किसी ने सुना है डीओएस अटैक? आप लोगों में से अगर किसी ने आईओटी की क्लास अगर लास्ट वाली ज्वाइन की हो तो आप लोगों को मैंने इस पर डीओएस अटैक के बारे में बताया था। लाइए देखिए डीओएस अटैक क्या है। ये रहा डीओएस। डीओएस का फुल फॉर्म होता है डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, यानी कि एक ऐसा अटैक होता है। अटैक क्या होता है? ये हैकर्स का अटैक है। ये बहुत ही सिंपल है कि अगर मान लीजिए किसी वेबसाइट को बंद करना है तो उस पर वो लोग इतना ट्रैफिक डाल देते हैं, इतना ओवरलोड डाल देते हैं, इतने सारी जगह से अटैक कर देते हैं कि उस वेबसाइट को चलना ही बंद हो जाता है, वो वेबसाइट ऑन ही नहीं हो पाती, इतना हैवी कंजेक्शन कर देते हैं। इस तरह को अटैक को हम लोग डीओएस अटैक कहते हैं बच्चों। तो इसका सही जवाब समझ आ गया सभी को? सही जवाब आप लोगों का इसका सी है। 1.8 पर आते हैं। 1.8 केवाईसी, ये तो आपको जानते ही होंगे, सभी लोगों ने सुना भी होगा, बैंक में आप लोग केवाईसी से ही भरवाते हैं। इसका आंसर बताइए। ये होगा सर, नो योर कंप्यूटर, नो योर कस्टमर होता है। केवाईसी नो योर कस्टमर, ठीक। 1.9, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ मेमोरी? जॉयस्टिक। 1.10 पे आइए, और इसका है आप लोगों का ऑपरेशंस ऑफ फाइल एंड फोल्डर इज रिक्वायर्ड टू मूव। ये तो सभी को पता ही है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कट और पेस्ट। कट एंड पेस्ट, सिंपल है। चलिए ट्रू फॉल्स पे बच्चों शुरू करते हैं। आप लोग अपने अपने नंबर्स मार्क करते चलिएगा कि कितना आप लोगों ने, मतलब कितने सारे आप लोगों ने तैयार कर लिए या कितने आपके 40 में से नंबर आ रहे हैं। इसी बीच बच्चों मैं आप लोगों को एक छोटा सा और नोटिफिकेशन देना चाहूँगा कि जल्द ही हम लोग एक ओ लेवल के जैन का जो एडमिशन्स है उनकी एक ऑनलाइन क्लासेस और साथ ही साथ ट्रिपल सी की लाइव क्लासेस नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं। और ये क्लासेस जो हैं बेसिकली बहुत ही एक बढ़िया सी स्कीम गवर्नमेंट की हमें मिल रही है, जिस स्कीम के अंतर्गत हम लोग फ्री रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे। फ्री रजिस्ट्रेशन के साथ साथ हम बच्चों का एग्ज़ाम फीस वगैरह सब कुछ उसमें फ्री रहेगी, साथ ही साथ आप लोगों की स्टडी मटेरियल और क्लासेस भी, मतलब टोटली फ्री रहेगा। जो थोड़े बहुत चार्जेस होंगे वो भी रिफंडेबल होंगे। तो वो बहुत ही एक बढ़िया स्कीम आ रही है, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है मैं उसमें अपडेट कर रहा हूँ। आप में से भी बहुत सारे बच्चे जो लोग टेलीग्राम में नहीं हैं, बच्चों आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल्स को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करने के बाद मेरा नाम से सर्च कर लीजिए या तो @MineshSachan1 लिख दीजिए तो आप टेलीग्राम में आ जाएंगे। बिकॉज टेलीग्राम में आसानी रहती है कि कोई भी नया वीडियो आता है या कोई भी पुराना होता है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं आसानी से अपग्रेड कर लेता हूँ उसमें। आगे बढ़ते हैं बच्चों ट्रू फॉल्स पे, चलिए शुरू हो जाते हैं। अगला है हमारे पास जिसमें होम की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द फर्स्ट सेल एंड एंड की इज यूज टू मूव द लास्ट सेल ऑफ द करंट। एक्सेल का सिंपल सा सवाल है। होम की का उपयोग कर्सर के पहले सेल पे ले जाने के लिए किया जाता है और एंड की को वर्तमान लाइन के अंतिम सेल को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही है गलत? ट्रू है सर। भाई होम बटन का मतलब ही होता है लाइन के बिगनिंग में और एंड का मतलब लाइन के आखिरी में। 2.2 पे, इसमें कुछ बच्चे मुझसे सी लैंग्वेज के लिए पूछ रहे हैं। सी लैंग्वेज की बच्चों क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अगर श्रुति, सचिन और नेहा आपको सी की ज़रूरत है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे सी के ऑनलाइन नोट्स लीजिए, उसमें प्रैक्टिस सेट्स, लास्ट ईयर पेपर्स और साथ ही साथ आपकी सारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। 2.2 पे आइए। वेन एवर यू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन द लिब्रा ऑफिस यानी वही पावर पॉइंट, तो आप जब कभी नई स्लाइड इसमें इंसर्ट करते हैं इट ऑलवेज इंसर्ट आफ्टर द एक्टिव स्लाइड।
तो बहुत ही सिंपल है, जब कभी आप लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में प्रेजेंटेशन में कोई नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो जो स्लाइड क्रम से एक्टिव स्लाइड के बाद ही हमेशा इंसर्ट होती है, सही है गलत? ट्रू है सर। बहुत ही आसान है, आपने सामने एक स्लाइड है, जैसे ही आप इंसर्ट न्यू करेंगे उसी के आगे चली जाती है, बहुत ही ईजी है ये, कोई क्वेश्चन किसी स्टैंडर्ड का नहीं है। आगे है बैंक प्रोवाइड गोल्ड लोन ओनली, बताइए बैंक प्रोवाइड जो है गोल्ड लोन, गोल्ड लोन जानते हैं किसी ने सुना है? सर जी ट्रू है सर। होता क्या है गोल्ड लोन? सोने के बदले आपको पैसा मिलेगा। आज इसको पता है, इसको लेकर एक न्यूज भी है, आज की न्यूज में आप पढ़िएगा, अभी तक गोल्ड लोन का 75% लोन मिलता था। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सुमित की शादी हो गई, अब सुमित ने शादी तो कर ली, दहेज में लड़की आई, गोल्ड भी लेकर आई, सोना होना लेकर आई, तो सुमित ने कहा लाओ अभी हमारे पास कोई काम नहीं है तो क्यों ना हम एक लोन ले लें, और लोन लेने के बाद हम लोग एक अपना बिजनेस शुरू करें। तो लोन के लिए भाई कोई ना कोई चीज़ मॉर्गेज करनी पड़ेगी, मॉर्गेज जानते हैं गिरवी करनी पड़ेगी, तो बैंक ऐसे थोड़ी दे देगा। तो मॉर्गेज करने के लिए या तो आपके पास ज़मीन प्रॉपर्टी कोई ना कोई आपके पास फंड या कुछ ऐसा होना चाहिए। तो एक आसान सा लोगों के पास एक ऑप्शन है कि आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। आप जितने रुपए का गोल्ड जमा करेंगे वहाँ, मान लीजिए कि आपने 10 तोला 20 तोला जैसा भी है वो लोन वहाँ पे गोल्ड जमा किया, उसकी जो करंट वैल्यू है उसका 75% आपको लोन मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने आज से चेंज किया है और अब आपको गोल्ड लोन का 90% तक आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें खुश होने वाली बात नहीं है, ये लोन है और लोन का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने ले लिया तो अब चुकाना नहीं है, चुकाना तो आपको पड़ेगा, सिक्योरिटी के रूप में जमा है, जिस दिन आप लोन नहीं चुका पाए गवर्नमेंट रख लेगी अपने पास। तो 2.3 भी ट्रू है आपका। चलिए बताइए बुलेट्स एंड नंबरिंग अपियर इन द स्टैंडर्ड टूल्स, सही या गलत? मिलन ने बिल्कुल सही कहा, मिथुड फाइनेंस लोन प्रोवाइड करते हैं, अमिताभ बच्चन सही है सर। नहीं अमिताभ नहीं, ये कौन है, अक्षय कुमार आता है। अच्छा स्टैंडर्ड टूल्स बार क्या होते हैं बच्चों, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये आपके क्या एमएस ऑफिस में होते हैं या लिब्रा ऑफिस में है? दोनों में होता है लिब्रा। देखिए बच्चों बहुत नॉइज आ रही है, स्पीकर्स ऑफ कर दीजिए। देखिए विनवर्ड है, और विनवर्ड में अगर आप लोग बुलेट्स एंड नंबरिंग अगर आप चेक करें तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई देंगे, ये आ गए बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे देखें तो ये आपको होम रिबन में दिखाई देता है, इसमें तो रिबन्स आ गए ना, स्टैंडर्ड टूल बार जैसा कुछ है ही नहीं, तो होम रिबन में आता है, और होम रिबन के अंदर पैराग्राफ टैब है, ये टैब है पैराग्राफ, क्योंकि इस बार से आप लोगों का नए वाले बच्चों का ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, उनको सवाल जो देने हैं वो लिब्रा राइटर पे देने हैं, तो आपको पढ़ने को मिलेगा लिब्रा, तो लिब्रा के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो आपको लिब्रा ऑफिस इंस्टॉल करना चाहिए। इस लिब्रा ऑफिस में जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो अब आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सब चेंज हो जाएगा, और उसके मेनूज जो आते थे या फिर जो रिबन्स आते थे वो भी बदल जाएंगे, और आपके स्क्रीन पर मेनूज की रिबन्स की जगह मेनूज ऑप्शंस दिखने लगेगा। तो वो सारा कैसे होता है अभी मैं जैसे इसको ओपन करा देता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। पी ओ पी का मतलब बताइए क्या है, पी ओ पी कोई बता सकता है? पी ओ पी पॉइंट ऑफ सेल्स, वो तो POS होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक, ये प्रोटोकॉल है, और ये ईमेल को इनकमिंग में यूज होता है या आउटगोइंग में यूज होता है? इनकमिंग में सर, ये जरूर बच्चों पढ़ लेना, POP3 प्रोटोकॉल। दूसरा कौन सा होता है? इनकमिंग आउटगोइंग दोनों में ना, एक POP होता है और एक होता है SMTP, ये बहुत सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ ये आप मान के चलिए कि ये आपके लिए आने वाला है, ये तो ये बहुत ही यूजफुल है। आपको मैं इसको एक शॉर्टकट में बता देता हूँ, आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, ये है क्लाइंट कंप्यूटर और ये है सर्वर कंप्यूटर। क्लाइंट से जो मेल आ रही है यानी कि सर्वर से जो मेल आ रही है आपके पास, वो आपके कंप्यूटर में आते समय POP प्रोटोकॉल और IMAP प्रोटोकॉल का यूज करता है, और क्लाइंट यानी हम लोग जब मेल भेजते हैं तो कौन सा यूज होता है? SMTP। सर्वर टू सर्वर भी SMTP का ही यूज होता है,
और फिर दूसरे क्लाइंट्स में पहुंचने के लिए पीओपी। तो कुल मिला के आपके सिस्टम पे जब मेल आएगी तो पीओपी और इसका नया वर्जन पीओपी 3 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होगा, जब मेल जाएगी तो एसएमटीपी का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? तो ये सही है। 2.6 पर आइए बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट अजूर इज एग्जांपल ऑफ पब्लिक क्लाउड, सही या गलत? फॉल्स है सर। संदीप जी बच्चा आपका बहुत रो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट अजूर, पहले मेरे को बताइए पब्लिक क्लाउड क्या होता है बच्चों? क्लाउड क्या होता है? क्लाउड मैंने भीड़ देखिए सर, इंटरनेट पे कुछ डाटा रखना हो, ऑनलाइन क्लाउड, ऑनलाइन स्टोरेज मान लीजिए, एक सिंपल सा तरीका। क्लाउड माइक्रोसॉफ्ट का भी एक अपना क्लाउड है जिसका नाम है अजूर, कॉमनली रेफर्ड एज अजूर, एज ए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस क्रिएटेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट फॉर बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग एप्लीकेशन एंड सर्विसेज थ्रू द माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट डेटा। तो ये सही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो क्लाउड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट अजूर को। क्लियर? बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुना होगा तो आपको समझ आ गया होगा। 2.7 पे बताइए, मैश टोपोलॉजी इज हाईली रिलायबल इफ द टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड्स। मैश टोपोलॉजी बहुत विश्वसनीय है, इस टोपोलॉजी में हर मोड एक दूसरे मोड से जुड़ा होता है, हाँ या ना? फॉल्स। बताइए। ट्रू है। फॉल्स है सर। विश्वसनीय है, विश्वसनीय का मतलब रिलायबल है और साथ ही साथ इसका हर एक नोड दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है, तो बहुत ही सिंपल है। मैश टोपोलॉजी आप लोग जानते हैं, मैश टोपोलॉजी एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आपके कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से हर एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग गौर करें तो ये एक मैश टोपोलॉजी है जिसमें हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्किंग में जुड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा बताइए वो कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसमें एक कंप्यूटर सेंटर पे होता है और बाकी सब उससे कनेक्टेड होते हैं? स्टार्टअप। और एक चीज आपको और बता दें, ये टोपोलॉजीज पुराने यानी कि R4 के सिलेबस में M2 पेपर में था और अब आपके नए वाले R5 में M1 पेपर में है। 2.8 पे आइए, एनिमेशन इज ए रैपिड डिस्प्ले ऑफ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ मोमेंट्स। एनिमेशन आंदोलन के भ्रम को, आंदोलन ये हिंदी गलत लिखी है, छिपाने के लिए एनिमेशन का मतलब पूछा जा रहा है। क्या जो मोमेंट होता है जो स्क्रीन पर फोटोज दिखती हैं बहुत तेजी से मूव करती हैं तो इसको एनिमेशन कहा जाता है, सही या गलत? नो। बिल्कुल सही है। आप लोगों के जो भी चीज फोटोज दिखती है, जो भी आप देखते हैं वो एक्चुअली एक स्टिल फोटो होती है, लेकिन बहुत तेजी से गुजार दिया जाए तो वो एक एनिमेशन बन जाती है, ट्रू है ये। 4.9 पे आइए बच्चों, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर टिपिकली नॉन प्रेसिडेंशियल, चौथी पीढ़ी की लैंग्वेज विशिष्ट रूप से गैर कार्यविधिक है। बताइए। नहीं समझ में आया। गैर कार्यविधिक का मतलब क्या? काम नहीं, कार नहीं कर सकते। अरे जैसे मशीन लैंग्वेज हो गई, तो क्या मशीन लैंग्वेज पर आप लोग कार कर सकते हैं? हम लोग तो कर ही नहीं सकते ना, वो तो मशीनों के लिए है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा, मैं इसको गूगल कर देता हूं तो आपको थोड़ा सा और इसके बारे में प्रकाश पड़ जाएगा। लैंग्वेजेस के लेवल्स के बारे में देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। एक मिनट, कंप्यूटर लैंग्वेज, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज दिखा रहा है, कंप्यूटर लैंग्वेज जनरेशंस। देखिए बच्चों ये है बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन। अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में बात करें
या जनरेशन, एक तो हिस्ट्री होती है वो दैट इज डिफरेंट थिंग, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर जनरेशन की बात की जाए तो हमारे पास लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। लो लेवल में भी फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज आती थी, हाई लेवल में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज चल रही है। तो अगर आप लोग हाई लेवल और लो लेवल में अगर डिवाइड करना चाहें तो जो सबसे लेटेस्ट लैंग्वेजेस हैं वो आपकी आज की डेट में फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज हैं। जनरेशन मतलब होता है नई 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 पीढ़ियों का आना। पुरानी जो लैंग्वेजेस होती थी वो उसको पढ़ना बहुत क्रिटिकल था, बिकॉज हम पढ़ ही नहीं सकते थे, वो मशीन बेस्ड थी, पूरा एनालॉग बेस्ड सिस्टम पे काम। अब डिजिटल लैंग्वेजेस आती चली जा रही हैं और हाई लेवल लैंग्वेज में तो आप जानते ही हैं, जैसे कि आपकी सी हो गई, आपके पास यूँ कहिए कि आपकी ये जो पाइथन हो गई, जावा हो गई, इन सब में आपको एक एनक्रिप्टेड यूँ कहिए कि एक सिंटेक्स मिलते हैं। आप सिंटेक्स पढ़ लेते हैं और सिंटेक्स पढ़ने के बाद आप लोग उसके बिहाफ पे काम कर सकते हैं। इसमें कन्वर्टर लगा होता है, जैसे कि आपका असेंबलर और कंपाइलर, जो कि आपके लैंग्वेज को बदल देता है। अब आज की डेट में अगर आपको सी में कोई सिंटेक्स लिख देंगे तो मशीन उसको समझ लेगी। पुराने समय पे ऐसा नहीं होता था, लो लेवल लैंग्वेज में बाइनरी और असेंबली कोड्स हुआ करते थे। तो इसमें जो फोर्थ लैंग्वेज तक के लिए जो बोल रहा है कि आपकी जो फोर्थ पीढ़ी है वो भी पुरानी ही है, लेकिन उसमें हम लोग टिपिकली प्रोसीड्यूरल नहीं कर सकते थे, कार्यविधि नहीं कर सकते थे, तो सही है जो आप जो लैंग्वेजेस चल रही हैं इनमें हम लोग प्रॉपर इंटरफेरेंस कर सकते हैं। तो 2.10 पे चलते हैं बच्चों। यूनिक्स इज अ फ्री, बताइए, और ये एक्सपी का अल्टरनेटिव भी है। यूनिक्स के लिए क्या पैसे देने पड़ते हैं? पैसा तो नहीं देना पड़ता है सर, लेकिन गलत है। बिल्कुल है, ये यूनिक्स, लिनक्स, ये सब आप लोगों की, या लिनक्स जिसे कहते हैं, ये सब फ्री हैं, ओपन सोर्स हैं, इनके लिए कोई पैसे नहीं देने, और आप लोग विंडोज की जगह इसका इस्तेमाल करते हैं, सही है ये भी। आपको बता दें बच्चों, आप लोग अगर अभी पढ़ रहे हैं उसके बाद जब आप ए लेवल में शिफ्ट करेंगे तो ए लेवल में आप लोगों का लिनक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ जाएगी। मैच द फॉलोइंग में शुरू करते हैं, चलिए बताना शुरू करिए। 3.1, इन विच ईयर एनईएफटी सर्विसेज हैज बीन स्टार्टेड? एनईएफटी कोई बता सकता है क्या होता है ये और किस साल से शुरू हुई? 2005 से। अब अगर आप गौर करें तो ये ईयर तो इसमें एक ही है ही। जी इसलिए 2005 से। जी सर इसलिए तो। ठीक। पता है ना एनईएफटी और आरटीजीएस, मैंने बहुत डिटेल में बताया था आपको, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस पूरा। 3.2, लिब्रा ऑफिस राइटर गेट लोडेड द ऑपरेट ओपनिंग स्क्रीन डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट्स नेम। जब लिब्रा ऑफिस राइटर लोड होता है तो स्क्रीन पर प्रदर्शित डॉक्यूमेंट नेम होता है, क्या होता है बताइए? अनटाइटल्ड होता है सर। हाँ अनटाइटल्ड होता है, अनटाइटल्ड मतलब अनटाइटल्ड, कोई भी टाइटल नहीं है, तो वो अनटाइटल्ड के नाम से दिखाता है। ठीक। और 3.3 पे आइए, मैक्सिमम जूम। 3.3 क्या है मैक्सिमम जूम? राइटर 100% बी। हाँ ये मैंने उस बार पिछली बार करके दिखाया था। और मिनिमम कितना होता है? 20% शायद उसमें था, वर्ड में 10 नहीं, वर्ड में 10% था, वर्ड में। और राइटर वर्ड में था सर। हाँ, राइटर में 20% था। 2.4 में आइए, एटीएम का मतलब सबको पता ही है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जीयूआई इज यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन। जीयूआई किन दो इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है? 3.5 सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही है, हमारे और सॉफ्टवेयर के बीच में जीयूआई काम करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 3.6 पे आइए बच्चों, शॉर्टकट यूज टू प्रिंट प्रीव्यू इन द लिब्रा ऑफिस कैल्क, कौन सा है शॉर्टकट? कोई इसमें दिख रहा है? एक ही तो दिख ही रहा होगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ। जी विच सिंबल, विच लैंग्वेज इज ए सिंबॉलिक लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो सिंबल पर आधारित है? असेंबली लैंग्वेज। 3.8 पे आइए, प्रोसेस डेटा। प्रोसेस डेटा क्या है? प्रोसेस मतलब जो कि आपके सीपीयू से बाहर निकल कर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। और रॉ जो है वो आपका इनपुट डेटा होता है।
The set of program that enable computer hardware devices and application software to work together. Program का set जो computer hardware devices और application software को एक साथ काम करने में सक्षम है. Software. Sir. Set of program software होता है. बिल्कुल सही है. Set of. 3.10 पे बताइए. While using email to express opinions or ideas, specially when the message will be read by the people who do not know you well. राय या विचारों को व्यक्त करने के लिए ईमेल पे प्रयोग. अरे वही जो हम हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं और ये सब. तो आप इमोजी. हाँ, इमोजी इसमें है ही नहीं. नेटिक. तो इसके लिए क्या होना चाहिए जी? नेटिक कोड. इसको बोलते क्या है? आपके आईओटी में ये एक पूरा चैप्टर है. पिछली बार आपको याद है मैंने पढ़ाया था हाथ कैसे मिलाना है. हाँ सर. नहीं पढ़ा था सर. इसको कहते हैं, ये लिखा जाता है नेटिक्यूट और इसमें लिखा भी गलत है. इसको पढ़ा जाता है एडिकेट. इसमें एन साइलेंट होता है, क्यू भी साइलेंट होता है. एडिकेट. एडिकेट का मतलब हिंदी में होता है शिष्टाचार, तमीज. क्लियर हुआ? चलिए लास्ट पे आते हैं. टाइम हमारा खत्म हो गया बच्चों जूम का, तो आप लोग जल्दी से दोबारा कम बैक करिए और फिर लास्ट वाले टॉपिक को फिनिश करते हैं. लौट के आइए जूम की क्लास में. इसी बीच जो बच्चे यूट्यूब पर लाइव हैं बच्चों, आप लोग ने अगर लेट ज्वाइन किया है, वेलकम बैक. और आप लोगों को अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम. आप लोग अपने सवाल सामने रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अपने सवाल. और जो भी क्वेश्चंस के हैं, जो भी डाउट हैं कि रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर पूछिए. आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं. रवि गुप्ता कह रहे हैं 3.10 एक्सप्लेन कर दीजिए. 3.10 क्या है भाई? अच्छा ये, अरे ये तो बहुत ही सिंपल सा है. एक्चुअली इस टॉपिक क्या, मैं आपको बता देता हूँ. टॉपिक बहुत सिंपल सा है बच्चों, कि आपको ये टॉपिक मिलेगा. एक टॉपिक है आप लोगों का, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये किस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने, ये कहाँ से आया आपके उसमें. आप लोग जरा एक बार सिलेबस देख लीजिए, तो उसमें आपको थोड़ा सा मिल जाएगा. मैं आपको दोनों सिलेबस दिखा देता हूँ. एक तो पहले IoT का दिखा देते हैं और इसका भी दिखा देते हैं. तो इनके सिलेबस में ये कौन सा टॉपिक है जिस पर आप ध्यान देंगे? ये देखिए, ये है IoT का टॉपिक जिसका नाम है सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. यानी कि आपके व्यक्तित्व का निखार कैसे किया जाता है, एडिकेट्स, मैनर्स, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, ये सब चीज़ें. बच्चों ये थियोरिटिकल टॉपिक्स हैं. और इसी तरीके से आप लोगों का M1 में भी टॉपिक है, और वो भी आपका स्किल और सेल्फ स्किल और इनसे जुड़ा हुआ है. तो आपको ये छोटा सा टॉपिक है कि आपको अपना यूँ कह सकते हैं कि इंटरनेट पे जब कभी आप लोग काम कर रहे होते हैं, तो आपको क्या क्या अपने आचार विचार रखने चाहिए उसको लेकर है. तो ये छोटे से टॉपिक्स हैं. यहाँ पर आपको इंटरनेट एडिकेट्स मिलेगा थोड़ा सा, अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे. और उसमें आप लोगों को ये देखिए, ये रहा, तो ये उससे पूछा गया था सवाल. तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन और है कि सर थ्योरी सेक्शन के 4 क्वेश्चन करने होते हैं और सारे सेक्शन करने होते हैं. लाइए वो भी बता दें आपको, थ्योरी वाला भी. थोड़ा सा नीचे हम लोग लेके चलते हैं. नैलेट का जो पेपर है, ये है आपका नैलेट का पेपर. एंड ये रहा, कोई भी ले लेते हैं. देखिए थ्योरी का ये है बच्चों, लिखा है एनी आंसर एनी 4 क्वेश्चंस. आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, 5 दिए गए हैं. अगर आप गौर करें यहाँ से यहाँ तक 5 सवाल दिए गए हैं और आप लोगों को इनमें से 4 करने हैं. लेकिन 4 का मतलब ये नहीं कि 2 इसका कर दिया और 1 इसका कर दिया. ये बहुत सारे लोग गड़बड़ी करते हैं, तो ऐसा ना करें. आपने अगर 4 ऑप्शन चूज़ किए हैं, मान लीजिए ये 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 और ये, तो इसके पूरे पूरे करने हैं. ये नहीं कि 2 इसके और 2 इसके, क्योंकि नंबर्स में डिफरेंसेस होता है. तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग. हाँ, अगर मान लीजिए कि आपको एक आ ही नहीं रहा, मान लीजिए किसी बच्चे को ये
ये अगर मैं आपसे कहूं कि मतलब ये मैं अनऑफिशियली बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप यही छाप के आ गए, मान लीजिए आप लोगों ने एक दो तीन तो ये पूरे कर लिए, और चौथे वाले में ये एक आ रहा है और एक ये आ रहा है और इसका एक आ रहा है, तो अब क्या किया जाए? इसके दोनों नहीं आते, बी वाला इसका नहीं आता और इसका भी बी वाला नहीं आता, तो गड़बड़ी तो समझ आ ही रही होगी आपको क्या किया जाए। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग नीचे वाला आठवां वाला करिए, क्योंकि आठवें वाले में दो तो आप अटेम्प्ट करेंगे तो 10 नंबर के तो आप अटेम्प्ट हो ही रहे हैं, सातवें वाला अगर आप करते तो सिर्फ 7 नंबर का अटेम्प्ट होता। ठीक, एक तो ये नंबर्स वाइज चेक करिए। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि उसका एक आ रहा है और इसके दो आ रहे हैं, तो आप छोड़िए नहीं, छोड़िए इसलिए नहीं कि आपने दो इसके पूरे कर लिए और फिर एक इसका कर लिया। ध्यान रखिए, मैं इसके आगे डेंजर का साइन लगा देता हूँ, ये ऑफिशियली अलाउड नहीं है, आपके नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन उसका कारण ये है कि आपका एग्जामिनर इतना प्रेशर में काम कर रहा होता है कि वो बेचारा कभी कभार होता है कि यही नहीं है उसको ध्यान, वैसे तो उसके पास क्वेश्चन पेपर रहता है, लेकिन कभी कभार वो इतनी जल्दी जल्दी चेक होते हैं कॉपीज़ कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो सोचता है कि हाँ ये उसी का रहा होगा, क्योंकि बच्चे आगे पीछे भी करते हैं ना, 5A यहाँ कर लिया उसके बाद 5D वहाँ कर लिया या 6B पहले कर लिया। तो वैसे मैं आपको सबसे सही सजेशन यही दूंगा कि ऊपर नीचे मत किया करिए, क्योंकि एग्जामिनर का मूड नहीं खराब करिए। आप अगर पांचवा सॉल्व कर रहे हैं तो पांचवा ABC सीक्वेंस में सॉल्व करिए, पांचवा ए कर लिया फिर आठवें का ए कर लिया फिर छठवें का बी कर दिया, वो पन्ना ही पलटता रहेगा। तो ये एक राय है, लेकिन इस राय को आखिरी वार्निंग समझिए, ये नहीं कि आपने सोचा सर ने तो बताया था, देखना देखना इसके बाद भी कई लोग बच्चे कमेंट करेंगे अभी, और वो भोले हैं उनको नहीं समझ आया होगा, और वो बोलेंगे कि सर उसका बी आता है इसका सी आता है तो मैं उन दोनों के एक एक कर दूं, तो अब भोले हैं तो भाई हैं, अब उनके लिए हम क्या बताएं। चलिए 4.1 पे आते हैं बच्चों, बताइए, डैश इज यूज टू मूव कर्सर विथ सिलेक्शन टू द लेफ्ट, डैश की कौन सी है जो बाई ओर सिलेक्ट करने के लिए कर्सर में की जाती है, बताइए। शिफ्ट प्लस लेफ्ट, एरो लेफ्ट सर, बिल्कुल सही है, प्लस एरो लेफ्ट। डैश इज अ फाइल फॉर्मेट टू स्टोर वीडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स बताइए। AVI सर, AVI फाइल्स होती है, वीडियो फाइल्स होती है, ऑडियो वीडियो इंटरफेस। मैसेंजर मेल बॉक्स इज प्रेजेंट इन SMPS, SMPS सर, गलत जवाब, झोंके रहो झोंके रहो तुम लोग। अरे SMPS तो वो हार्डवेयर होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो CPU के पीछे लगा रहता है, जो 12 वोल्ट की सप्लाई देता है। हाँ सर, हाँ सर, सर, सर। अरे हाँ। देखो ये है SMPS, उसमें कहाँ मेल एल का लेना देना, ये लगा होता है SMPS। तो इसमें मेल बॉक्स कहाँ होता है, मैसेंजर जो है, मेल मैसेंजर जो होता है वो कोई ना कोई नेट से जुड़ी हुई चीज होगी, वही तो मेल मैसेंजर करेगा, और नेट से जुड़ी हुई सिर्फ एक ही चीज है, या नेटस्केप नेविगेटर या नेटस्केप कम्युनिकेटर, जैसे गूगल वालों का जी टॉक होता है वैसे ही। 4.4 बताइए, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी इज अ ऐप लॉन्च बाय प्रधानमंत्री ऑन एक ही डेट है इसमें, 20 दिसंबर 2016। ठीक, 4.5 पे आइए बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज, ये एप्पल मैकिंटॉश कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस। 4.6 बताइए, इज यूज ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडोज इन कैल्क, कैल्क में स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। F7 नहीं हो सकता, F7 तो स्पेलिंग की होती है शॉर्टकट की, दूसरी शॉर्टकट की यहाँ कौन सी है, F11 बस वही है। ये सड़क में बैठ के कौन पढ़ रहा है। डैश आर द कंप्यूटर दैट एक्सेल इज एग्जीक्यूटेड मेनी डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम एट द सेम टाइम, कंप्यूटर में है जो एक ही समय में अधिक भिन्न कंप्यूटर प्रोग्राम निष्पादित करता है। मेन फ्रेम के बारे में मैंने बहुत अच्छी क्लास ली थी आप लोगों को, एक बड़े कंप्यूटर्स जो कि आपके नॉर्मल पीसी से बड़े और सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं। प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट
गोइंग पास्ट राइट मार्जिन टू द नेक्स्ट लाइन इज टर्म एज, अगली लाइन के लिए दाहिने मार्जिन में पेश किए जा रहे टेक्स्ट को लगाने की प्रतिक्रिया डैश रूप से जानी जाती है. 4.8 वर्ड रैप, यही तो होता है वर्ड रैप, करिए तो बाएं दाएं दोनों तरफ से लग जाती है ना चीजें. नहीं समझ में आया, अरे लो समझा देते हैं यार. लियो ये रहा आपके सामने वर्ड और एक डाल दी हमने पिक्चर. ठीक, अब अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई मैटर टाइप कर दिया, अब अगर मैं ये फोटो उठा के यहाँ पे रखता हूँ, देखिए मैंने यहाँ फोटो उठा के रखी, आपने देखा मैटर ऊपर नीचे सब जगह भाग गया, उस जगह छूट गई. हम चाहते हैं फोटो के आसपास मैटर कवर कर ले, कैसे होगा बताइए भाई. फोटो के अगल बगल जो जगह है वर्ड रैप के साथ. हाँ, आप वर्ड रैप टेक्स्ट रैपिंग कर दीजिए और जैसा भी वर्ड रैप चाहिए. आपने कर दिया टाइट तो आपको दिखा क्या हुआ, मैटर ऑटोमेटिकली इसके चारों तरफ कवर कर लेता है. टाइट हो गया, ये बहुत अच्छा है. बहुत सारे लोगों को नहीं पता तो ये बड़ी दिक्कत होती है उन लोगों को. अ कमर्शियल एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर्स कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट इज एब्रीवेटेड एज, इंटरनेट पर आयोजित व्यवसाय और ग्राहक के बीच एक वाणिज्यिक विनिमय को संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं. बिजनेस टू बी टू सी, बिजनेस टू सी का मतलब बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर नहीं कंज्यूमर. ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर. तो बताइए 40 में बच्चों कितने आए आपके. काफी इस बार 30 क्रॉस कर गए सर. 31. अब एक वैधानिक चेतावनी, इसमें अगर आपके मोर देन 30 आए हैं तभी आप एक ठीक ठाक स्टैंडर्ड में, या फिर कहिए कि आप नॉर्मल स्टैंडर्ड में हैं, लेकिन अगर आपके 30 से कम है तो आप इस जैसे लोकल और बहुत ही निम्न स्तर के पेपर में आप अगर 30 से भी कम आ रहे हैं तो आपका चिंता का विषय है. मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना लिनेंट और इतना आसान पेपर नहीं आएगा आप लोगों को. तो ये बालाजी ने जो डिज़ाइन किया है हम लोगों ने उन्हीं के पेपर्स को आगे कंटिन्यू कर दिया है, लेकिन इतना आसान पेपर नहीं आता बच्चों. तो आप लोग इस पेपर को आप अपनी तरफ से ही पेपर बनाएंगे. एक्चुअली मैं आपको बताऊँगा कि मैं आपको एक अभी गेस्ट पेपर देने वाला हूँ, काफ़ी हद तक हम लोगों का तैयार भी हो गया है. पहले R4 वालों का अपडेट होगा, फिर R5 वालों का अपडेट होगा. आप वो गेस्ट पेपर को तो मतलब लास्ट मोमेंट स्टडी मानिए कि उसको तो छोड़ना ही नहीं है, तो वो तो आप ज़रूर करिएगा ही करिएगा. गेस्ट पेपर को या कभी भी आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपने ऑब्जेक्टिव लगा लिए और ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद या फिर मैंने आपको 10-15 ऑब्जेक्टिव करा दिए या सेट करा दिए उसमें ही समा जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है. आपके जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं से ही ऑब्जेक्टिव निकलकर बाहर आता है. तो आपने अगर सिलेबस अच्छे ढंग से कवर किया है तो आपके ऑब्जेक्टिव बड़े आराम से निकलेंगे, लेकिन बाकी तो फिर क्योंकि आप इसमें तुक्का नहीं लगा सकते. कभी भी आप लोग गोल्डन सॉल्यूशंस या पुरानी किताबें भी अगर आप लोग ले लें तो उसमें भी अगर आप गौर करें तो उनके भी पिछले 5-6 साल के कभी भी ऑब्जेक्टिव रिपीट नहीं हुए हैं, ऑब्जेक्टिव रिपीट हो ही नहीं सकते. तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग थ्योरीज के जो टॉपिक्स हैं वो ज़रूर लगाएं. इसी के साथ बच्चों मैं क्लास भी ओवर करूंगा. जो R4 वाले स्टूडेंट्स हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि R4 की फाइल्स में एक फोल्डर पड़ा हुआ है आपके नोट्स में, वेरी इंपॉर्टेंट PDF. अब आप लोग इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए. अभी तक मैंने बताया था कि आप लोग सिलेबस ख़त्म करिए, लेकिन अब आपके सभी पेपर्स में ये आपके पड़ा है. तो आप लोग M2 का है तो M2 और जिसका भी है तो ये इंपॉर्टेंट PDF वाले जरूर कवर करिए, ये आपको लास्ट मोमेंट में नैया पार कराने वाला काम करेगा. क्लियर बच्चों, और किसी के कोई क्वेश्चन हैं तो जल्दी से पूछ लीजिए. सर मेन पे है सर, सर मेन क्या वो आपकी जो आपको नोट्स मिले उसी में पड़ा हुआ है वो फोल्डर. अगला बताइए, अगला क्वेश्चन कौन पूछना चाहता है. संदीप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं. हाँ उसमें पढ़ा है, और इसमें देखिए बच्चों ये ओमार शीट भी पड़ी हुई है,
आप इस ओमार शीट को एक दो प्रिंट निकाल लीजिए, एक दो बार इसमें सॉल्व करिए ताकि आपको पता चल जाए। एक दो पेपर जो हैं वो ले लीजिए और आप लोग उसमें ना स्टॉपवॉच या फिर मोबाइल में आप लोग स्टॉप क्लॉक ऑन करके ही करिए। कोशिश करिए कि पेपर 40 से 45 मिनट के अंदर सॉल्व हो, क्योंकि मैं आपको इसका फ़ायदा बताता हूँ। वैसे तो फर्स्ट पेपर का जो टाइमिंग मिलता है आपको 60 मिनट्स मिलता है, लेकिन अगर आपने इसमें 45 मिनट में कर लिया तो 15 मिनट आपके अभी भी बच जाते हैं। वो 15 मिनट आप M2 में, यानी कि आपका जो सेकेंड पार्ट है द थ्योरी वाला, उसमें यूज़ कर लीजिए। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखिएगा। और ओमार शीट गलत मत करिएगा ओमार शीट में, क्योंकि मैंने देखा इस बार एक दो बच्चों से मैंने, मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, ब्राइट स्टूडेंट हैं, लेकिन ओमार शीट गलत फिल कर दी है उन लोगों ने। इसका एक प्रॉब्लम भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताना चाहूँगा कि हो सकता है जिसके स्कूल में आप जाएँ, उस स्कूल में जहाँ पर आपसे काम करवाया जा रहा हो या जहाँ बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे हो, वहाँ का जो एग्जामिनर हो उसको ना आता हो। एग्जामिनर को मत समझिए, एग्जामिनर जो वहाँ पर गया वो भी बेसिकली वहीं की कोई फैकल्टी होगी, तो वो हो सकता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराना नहीं जानता है ओमार शीट। नॉर्मली ऐसा होता है, खासकर जो रूरल मतलब एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वहाँ बहुत दिक्कत आती है, तो वो आपको कभी कभार होता है गलत भरवा देते हैं, तो ये दिक्कत आती है। तो आप कभी भी, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना दिमाग यूज़ करिए, गलत ना भरिए। वो जो भी बता रहे हैं सो बता रहे हैं, लेकिन आपको पूरा आना चाहिए और आप अपने ही हिसाब से करिए। क्योंकि एक बार ऐसे, कई बार ऐसा हुआ है, बच्चे मेरे को बाद में बताते हैं कि मैडम ने वहाँ पे ऐसा भरवा दिया था, हमें कहा था यहाँ ये लिखिए वो लिखिए, और उसके बाद फिर हमने वाइटनर लगाया और ये सब बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर बच्चों? और किसी का, रवि का सवाल है क्या सितंबर में एग्ज़ाम होंगे? कन्फर्म है? कन्फर्म तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि कन्फर्म आज की डेट में कहना इसलिए नहीं, क्योंकि ये तो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी जो अपने टर्म से बात हो रही है वहाँ पर उनका कहना है कि हम एग्ज़ाम कराने के पूरे मूड में हैं, और अगस्त में CCC के होने की आशंका अभी कम है। वैसे तो उन्होंने दे दिया है कि 10 अगस्त से CCC का भी वो लोग एडमिट कार्ड देंगे, लेकिन मेरे को थोड़ा मतलब कम लग रहा है। लेकिन सितंबर में अनलॉकडाउन वन, जब फर्स्ट ऑफ सितंबर से अनलॉकडाउन जब खुलेगा 4, तो इसमें आप लोगों को ज़रूर एक मिलेगा कि आपके कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा बहुत इसका ध्यान है। मतलब कि ये एक मोटी मोटी खबर है, तो आप ये मान के चलिए कि ये अवेलेबल है। ओमार शीट के बारे में अमनदीप पूछ रहे हैं। अमरदीप, आपके सभी नोट्स में ओमार शीट्स पड़ी हुई है, प्रैक्टिकल ओमार शीट्स के नाम से। अगर आपने नोट्स परचेज किए हैं तो आप ओमार शीट्स अपने ऑनलाइन मेल पे भी पढ़े होंगे आपके नोट्स, और इनफैक्ट आप लोगों की वेबसाइट से भी आप लोग एक्सेस करेंगे तो वहाँ से आप ओमार शीट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। गेस्ट पेपर बच्चों 10 अगस्त से शुरू होंगे, मेरे को पता चलेगा कि एग्ज़ाम्स का वाकई अगर हैं पॉसिबल हो गए हैं तो 10 अगस्त से हम लोग गेस्ट पेपर्स शुरू कर देंगे। और किसी के कोई सवाल हैं बच्चों? और कोई कुछ पूछना चाहेगा? मोहम्मद कह रहे हैं इंटरनेट की क्लास का, मोहम्मद हम सारी क्लासेस चला रहे हैं एक एक करके। आज जैसे आप, आज M2 की हो गई, M1 की हो गई है, तो नेक्स्ट क्लास कल अगर होती है तो M2 की होगी, फिर उसके बाद इस तरह करके हम सब सर्कुलेट कर रहे हैं एक के बाद। तो इसीलिए ये सारी ही गेस्ट, मतलब सारे ही प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आपके व्हाट्सएप पर आपका पासवर्ड आ जाएगा। इसी के साथ शुभ रात्रि, घर पे रहिए, कोरोना से बचिए। वैसे भी 20 लाख हो गए हैं कोरोना पेशेंट्स। Take care, goodbye.